तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। हेलो, मैंने तुम्हारी बीवी किडनैप कर ली है, 5 करोड़ रुपए चाहिए और सबूत के तौर पे उंगली काट के भेज रहा हूँ। हेलो, हम छोटे मोटे सबूत पे विश्वास नहीं करते, मुंडी काट के भेजो। जल्दी से तुम्हारी फोटो भेजो। नहीं, मुझे शर्म आती है। तुम जैसे लोगों को सिर्फ शर्म ही आती है, मौत तो आती नहीं है। जल्दी से फोटो भेजो। पहले बताओ क्यों भेजना है फोटो। अरे मेरा भांजा सो नहीं रहा है, उसको तुम्हारी फोटो दिखा के डराना है। जल्दी। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। मौत में इतना दम नहीं कि मेरे सामने आ सके। जी कर देखता रहो। क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जिंदगी एक किराए की घर है। अरे भाई रुक रुक, पहले अपना गला झाड़ ले। जिंदगी एक किराए का घर है। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ। गुस्से में तो सच ही बोल रहा हूँ ना। इतना बेवकूफ आदमी है, कल इसके घर में डाकू आ गए। डाकू ने बोला हम घर लूटने आए, लेकिन आज बंदूक लाना भूल गए, तो बोल रहा है मुझे आप पर भरोसा है, आप घर लूट लो, लेकिन कल आगे बंदूक दिखा जाना भाई। आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, जान ले लूंगा। ये इधर आ। मर क्यों नहीं चाहते हो यार तुम? मैं मर गया तो मेरे बिन रह। मुझे घंटा फर्क पड़ेगा। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़। सुनो जी। आज बोलो क्या बात है। ये बताओ शादी के बाद लड़कियां मोटी क्यों हो जाती हैं? अब यार शादी से पहले लड़कियां सिर्फ खाना खाती हैं, और जब शादी हो जाती है तो पति का खून भी तो पीती हैं, सारी चुड़ैल बन जाती हैं, कमी नहीं। सुनो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हीरो हिंदुस्तानी का सबको सलाम। रे लड़की विदाई के समय माँ से गले लगकर क्यों रोती है? रोती ना है, माँ के कान में कहती है मम्मी घबराना नहीं, मैं भी वही हाल करूंगी इनका जो आपने पापा का कर रखा है। अरे ओए, तू गाड़ी कैसे चला रहा था? अच्छा, और बाइक कैसे चला रहा था? और तू कैसे चल रहा था? एक तरफ पैसा, एक तरफ अकल, क्या चुनोगे? पैसा। मैं होता तो अकल चुनता। आप सही कह रहे थे सर, जिसके पास जो चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। अरे पापा हम बाप बन गए हैं। क्या? अबे कुत्ते कमीने नालायक, निकल जा मेरे घर से। अरे पापा गाली कह दे रहे हैं, आप ही ने तो कहा था पहले कुछ बन जाओ उसके बाद शादी करा देंगे, साला बाप पेट बने हैं। आई है जब